तीन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 69वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। मैं गंगा सिंह बसेड़ा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बसेरा जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर हम जो गणतंत्र दिवस है वह क्यों मनाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होगा कि गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इस संविधान को लागू, ये संविधान बना कैसे और इसी दिन क्यों लागू हुआ, हम इस पे बात करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ देखिए, संविधान यानी कि संविधान जो निर्माण किया गया था उसमें जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया था संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसके लिए संविधान को जिसने बनाया वह संविधान सभा थी। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था जुलाई 1946 यानी कि 1946 में, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 1946 1946 में जुलाई इसका गठन हुआ था। और इसने जो अपना कार्य प्रारंभ किया वो किया 9 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर 1946 में अपना कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। ठीक हो गया। अब संविधान सभा की बात करता हूं तो इसमें सर्वप्रथम 389 सदस्य थे, 389 सदस्य थे। बाद में जब मुस्लिम लीग यानी कि जो पाकिस्तान था वो भारत से अलग हो गया था तो उसके बाद बचे 324 यानी कि 224 सदस्य उसमें बच गए। और उसके बाद भी 31 दिसंबर 1947 यानी कि 31 दिसंबर 1947 में टोटल 299 सदस्य बच गए, और जिसमें से 12 महिला सदस्य थे। कितने महिला सदस्य थे? 12 महिला सदस्य थे। अब बात करता हूं संविधान सभा का अध्यक्ष। जो संविधान सभा का अक्सर एग्जाम में तो वैसे अध्यक्ष आता है, स्थायी अध्यक्ष आता है, तो इसमें जो था सर्वप्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। वैसे सर्वप्रथम बात की जाए तो सर्वप्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे जिनको कि अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। उसके बाद आता है राजेंद्र प्रसाद यानी कि जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए, जो संविधान सभा जैसे कि पाकिस्तान अलग हो गया तो भारत को भारत से, तो उसके बाद पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 यानी कि 31 अक्टूबर 1947 में जो है संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसमें कि 22 समितियां थी, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वह थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर, क्योंकि सारी समितियों का जो निष्कर्ष निकालना था वो प्रारूप समिति को निकालना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसके टोटल सदस्य थे 7 यानी कि प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। तो अब ये संविधान सभा की बात होगी, अब मैं बात करता हूँ संविधान की, यानी कि जो हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 में जो संविधान था बनकर तैयार हो गया था। अब जब 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो आपने सोचा नहीं कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। तो 26 जनवरी को लागू करने के पीछे भी कारण है, यानी कि 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया क्योंकि जो दिसंबर 1929 में लाहौर में जो कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, तो उन्होंने यह निर्णय लिया किया कि प्रत्येक 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, गणतंत्र दिवस मनाएंगे। 1930 से लगातार गणतंत्र दिवस मनाने का निष्कर्ष लिया यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की, जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया, गणतंत्र यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई, जो पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया गया 1930 26 जनवरी, इसीलिए जो है 26 जनवरी को ही जो संविधान था उसको लागू किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950। अब बात आती है टाइम की, तो समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा संविधान बनाने में, और संविधान बनाने में टोटल खर्च आया 6.4 करोड़। जैसे कि आपको पता, संविधान प्रत्येक देशों से लिया गया यानी कि बहुत सारे देशों का जो कंक्लूजन है वो सम्मिलित है। तो अब संविधान में पहले भाग जो थे 22 भाग थे, अभी वर्तमान समय में 25 भाग हैं और इसमें 395 अनुच्छेद हैं, और इसी के साथ 8 जो है अनुसूचियां हैं, थी जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान समय में जो है 12 जो है
अभी अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो गणतंत्र दिवस आखिर क्यों मनाते हैं, संविधान 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ था, तो संविधान के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें।